नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिंदास स्वाद पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली की स्पेशल गुजिया बनाना बताऊंगी। तो इस गुजिया को बनाने के लिए हमें मावा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं, मैं कि बाज़ार का मावा नहीं यूज करूंगी, बल्कि घर पे बने हुए मावे का इस्तेमाल करूंगी गुजिया के लिए। तो ये आपके सामने मैंने दूध रख दिया है कढ़ाई में पकने के लिए। ये 1 लीटर दूध है हमारा, तो हम इसे पका के मावा तैयार कर लेंगे। दोस्तों, घर का जो मावा होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, और तो उसकी गुजिया भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप इस तरीके से गुजिया बनाइए, आपकी गुजिया बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसे बनने में बेशक थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो स्वाद होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो हमारा जैसे ही मावा बनके तैयार हो जाएगा तो आपको मैं दिखाऊंगी कि ये बनके कैसा तैयार हुआ है। तो इसे दूध को हम एकदम चलाते रहना है और मीडियम आंच में ही रखना है। इसे हम जो है कि गैस पे रख के छोड़ नहीं सकते हैं, इसे हम चलाते रहेंगे तभी हमारा मावा बढ़िया तैयार होगा। गुजिया बनाने के लिए हमें चीनी की चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये मैंने 500 ग्राम चीनी ले लिया है, अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो इसे एक भगोने में मैं डाल दूंगी। मैंने गैस ऑन कर दिया है और उसमें 500 ग्राम के करीब चीनी डाल दिया है, और उसमें मैं 250 ग्राम करीब पानी डालूंगी। इससे हम अपनी गुजिया के लिए चाशनी तैयार करेंगे। दोस्तों, दिल्ली की स्पेशल गुजिया तैयार कर रहे हैं हम, तो इसमें चीनी की चाशनी की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम चाशनी तैयार कर रहे हैं। चाशनी में उबाल आने लगा है, तो हम थोड़ा सा इसमें दूध डाल करके अपनी चाशनी को साफ़ कर लेंगे, जिससे कि चीनी के अंदर जो भी गंदगी है वो दूध के साथ बाहर आ जाएगी। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही दूध डालेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं चीनी के अंदर जो भी गंदगी थी वो दूध के साथ ऊपर आ गई है, तो इसको हम आराम से बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही चाशनी के अंदर तार बनने लगेगा, हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी में तार बन रहा है या नहीं। अभी तार नहीं बन रहा है, तो थोड़ी देर हम और पका लेंगे। जैसे ही इसमें तार बनेगा हम गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों, हमारी चाशनी में तार बनने लगा है, तो हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसके अंदर 2 चम्मच हम केवड़ा जल डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारी गुजिया में बहुत अच्छे से खुशबू आ जाएगी। और 1 चुटकी के करीब में इसमें, ये हमारा अजंता का कलर है ये खाने वाला, तो सिर्फ 1 चुटकी के करीब ही डालूंगी, जिससे कि हमारी गुजिया के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। और इन दोनों चीज़ों को हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी गुजिया का जो है कि चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम इसे एक तरफ रख देंगे और आगे हम गुजिया बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने मैदा ले लिया है एक बर्तन में। तो इसमें हम गर्म तेल से मोयन लगाएंगे। तो हमने तेल को गर्म कर लिया है, तो हम इसमें वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे आराम से हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको आटे के अंदर हम मसल लेंगे। हमने आटे में मोयन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं आटे का लड्डू सा बनने लगा है। तो हम आटे को गूंथ लेंगे। तो आटे को गूंथने के लिए हमने पानी को गुनगुना गर्म कर लिया है, उससे हम आटे को गूंथ लेंगे।
हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तब हम अपने गुजिया की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। दोस्तों हमारा मावा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं, तब हम इसमें चीनी मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा 200 ग्राम के करीब मावा है, तो हम इसमें 200 ग्राम करीब चीनी भी मिक्स करेंगे। तो चीनी मिक्स करने के लिए हम सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में चीनी को बारीक पीस लेंगे। ये मैंने 200 के ग्राम करीब चीनी ले ली है, तो इसे हम पीसेंगे। साथ में मैं इसमें इलायची डालूंगी, तो इलायची को भी मैं इसी के साथ पीस लूंगी, ताकि इसी के साथ ही इसका भी बारीक पाउडर बन जाए। अब हम चीनी को मिक्स कर लेंगे। दोस्तों हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। हमें इतना मोटा रखना है, इसे ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। इसमें आप जितना चाहे उतना स्टफिंग भर सकते हैं। हमने जो पानी गर्म किया था उसे हमने एक कटोरी में डाल लिया है, ताकि इसे हम अच्छे से चिपका सकें, ताकि ये तलते समय खुले ना। अब हमें इसे ऐसे करना है। तो हमारी गुजिया आप देख सकते हैं बन गई है। तो ऐसे ही हम सारी गुजिया अपनी बना के तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल हमारा बिल्कुल गर्म है, तो हम अपने गुजिया को फ्राई कर लेते हैं। तो हमें गुजिया को बिल्कुल ही धीमी आंच पे फ्राई करना है, तो हम आंच को धीमी कर लेंगे। एक फोक की सहायता से हम आराम आराम से अपनी गुजिया को पलट के सेक लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी गुजिया में अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है, और ये अच्छे से फ्राई भी हो गया है, तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। हमने गुजिया को कढ़ाई से बाहर निकाल दिया है, तो हम इसमें चाशनी में डीप करेंगे। और इसे हम तुरंत ही बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये हमारी दिल्ली स्पेशल गुजिया बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों ये सारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।